नमस्कार दोस्तों, यह अपडेट और अपडेट से भी ज़्यादा एनालिसिस मैं दे रहा हूँ जो 28 अगस्त को मुंबई में एसोसिएशंस और ऑयल कंपनीज के बीच में हुआ था। दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर चार एसोसिएशन हैं बड़ी, FIPT, FEPT, AIPDA, LIMS और CIPT। केसेस दोस्तों 2017 का जो अमेंडमेंट थे MDG में, उसके विरोध में लगाए थे और यह करीब करीब सारे राष्ट्र के हाई कोर्ट्स में लगाए गए थे और लोकल एसोसिएशंस के द्वारा। बाद में यह सारे दिल्ली हाई कोर्ट को रिफ़र कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ डिसीजन हुआ, फिर अपील गई सुप्रीम कोर्ट में और अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील चल रही है। इसी के मद्देनज़र और इस बात के भी मद्देनज़र कि बहुत समय हो चुका है, ऑयल कंपनीज और डीलर एसोसिएशन काफ़ी समय से चर्चा रहते और ऑयल कंपनीज ने इस इन केसेस के चलते 8 साल से डीलर कमीशन में वृद्धि भी रोक दी है। अब दोस्तों चर्चाएं हुई, पॉजिटिव चर्चा हुई और अंततः 28 अगस्त को हमारी 8 साल की तपस्या का एक महत्वपूर्ण लिखित में हमें पॉजिटिव आउटकम मिला। तो उसके दोस्तों मैंने कंपाइल किए हैं क्या क्या बिंदु निकल के आए हैं और आगे क्या डेवलपमेंट रहना है। आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप के ग्रुप में जो जो मैसेज आए हैं सब लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन उनसे पूरी चीज़ें क्लियर नहीं होती, इसीलिए मुझे 2-3 दिन लगे सारे मैसेजेस लेके। फिर मुझे मेमोरेंडा ऑफ मीटिंग हाथ लगा तो उसको बार बार पढ़ के मैंने ये इन्फेरेंस निकाले हैं। कुछ अगर मुझसे गलती हो तो क्षमा करें, मैंने कोशिश की है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सही बना पाऊँ। दोस्तों इसमें चार बिंदु मुख्य निकल कर आते हैं। सबसे प्रथम तो ऑयल कंपनीज राजी हुई कि 2017 के MDG के अमेंडमेंट्स को विड्रॉ कर लेंगी, एक बात। तदनुसार जो नोटिसेस दिए हुए उन्होंने उन्हें वो विड्रॉ कर लेंगे। पेनल्टी के नोटिसेस काफ़ी सारे दिए हुए हैं दोस्तों, काफ़ी बड़े अमाउंट के हैं टोटल देखे जाए तो उन्हें विड्रॉ कर लेंगे। और दोस्तों डीलर्स की तरफ से जितने लीगल केसेस हैं उन्हें सेटल्ड मानते हुए माननीय कोर्ट को निवेदन देंगे कि हमारा सेटलमेंट हो गया है तो इसलिए हम कोर्ट से केस विड्रॉ कर रहे हैं। तो अब दोस्तों इसमें 28 तारीख से 15 दिन का समय निर्धारित किया है, तो उसमें दोस्तों जो एसोसिएशंस ने लगाए केसेस तो तुरंत वापस हो जाएंगे। कुछ हो सकता है इंडिविजुअल केस हो, कुछ डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस के केस हो कुछ, तो उनका फॉलोअप करके उनको परसुएट करके उन्हें भी वापस करवाने का जिम्मा एसोसिएशंस का यानी हम डीलर्स का है। तो वह जितना जल्दी होंगे तो एक चैप्टर क्लोज होगा, एक पॉइंट इसका ख़त्म होगा। इस मेमोरेंडा व मीटिंग के 15 दिन के अंदर मॉडिफाइड MDG अमेंडमेंट्स कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और उम्मीद करें कि इस बार अमेंडमेंट सारे पक्षों को साथ में रखकर और प्रैक्टिकल बनेंगे ताकि आगे चलकर ऐसी स्थिति ना हो। क्योंकि दोस्तों हमने बहुत भुगता है, 8 साल बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, और कोर्ट में हम गए थे तो हम कमीशन का मैटर लेकर नहीं गए थे, हम सिर्फ MDG के अमेंडमेंट्स का मैटर लेकर गए थे। तो दोस्तों आफ्टर विड्रॉवल ऑफ ऑल कोर्ट केसेस, सारे कोर्ट केसेस जब विड्रॉ हो जाएंगे, स्पेशल लीव पिटीशन से इंटरवीनर्स से सारे सब खत्म हो जाएंगे, उनका लिखित में कोर्ट में और ऑयल कंपनी के पास पहुंच जाएगा। और 2017 MDG के जो अमेंडमेंट जो हैं
उनका खात्मे का लेटर होगा, नए सिरे से जो अमेंडमेंट होना है उसका लेटर भी ऑयल कंपनी प्रस्तुत कर देंगी। यह दोनों चीज होते से ही कमीशन बढ़ जाएगा, ऐसा उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिखा हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ मीटिंग में, जिसे चारों बड़ी एसोसिएशंस और ऑयल कंपनीज के ईडी के समक्ष साइन हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करें कि आज से 15 दिन से लेकर 22 अक्टूबर जो सुप्रीम कोर्ट की तारीख है, उसके बीच में कमीशन भी हमारा बढ़ जाएगा और जो एमडीजी में नए अमेंडमेंट्स आएंगे वह इस तरह के रहेंगे कि प्रैक्टिकल रहे और हमारा ध्यान ट्रेड पर ज़्यादा रहे, इन चीज़ों से हम लोग डिस्टर्ब ना हो। और प्रिंसिपली कंपनीज इस बात को एग्री कर गई हैं कि जो राज्य या केंद्र के जो कानून हैं लेबर संबंधित, उसमें कंपनी अपने हिसाब से रूल न बनाते हुए राज्य या केंद्र से संबंधित जो भी कानून लागू होते हैं उसे फॉलो करने का कहेगी डीलर को, और वे फॉलो करते हैं, अमूमन पूरी कोशिश रहती है। और लेबर पेमेंट वगैरह इनके संबंध में दोस्तों दूसरे वीडियोस और मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करें ये हमारी 8 साल की तपस्या है, यह बहुत शीघ्र ही परिपक्व होने वाली है। सितंबर एंड या अक्टूबर में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने की उम्मीद है। दोस्तों, यहाँ पर यह डेट नहीं दी है कि यह सब होने के कितने दिन के अंदर कमीशन बढ़ जाएगा और कितना बढ़ेगा। अब ये दोस्तों अपने गुडविल और सब सदाशयता के ऊपर निर्भर है कि इसकी अर्जेंसी कितनी रहती है, कितना जल्दी इसके बारे में स्टेप्स लिया जाता है। उम्मीद करें यह भी जल्द से जल्द हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं नमस्कार करता हूँ और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ।